नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। एक सप्ताह के भीतर ही राजस्थान में दूसरा बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर इलाके में रविवार आधी रात को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। हादसे से शिकार लोग विवाह समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद घटना स्थल पर कोहराम मच गया। घायलों को उपचार के लिए जहाजपुर से भीलवाड़ा रेफर किया गया है। दुर्घटना के कारण 1 घंटे तक भीलवाड़ा देवली हाईवे जाम रहा। पुलिस के अनुसार हादसा जहाजपुर शाहपुरा मार्ग पर बनास चौराहे के समीप हुआ। हादसे के शिकार खटीक समाज के लोग अजमेर जिले के सावर में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होकर वैन से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बनास चौराहे के पास उनकी वैन के सामने से आ रही ट्रेलर से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में कमलेश पत्नी राजू खटीक निवासी शंकरगढ़, अंकुश पुत्र कमलेश खटीक शक्करगढ़, रामलाल खटीक पीपलूंद और राजू टांक निवासी झीकरी शामिल है। वोट लेने पर होते तब शराब बेच देते, आदमी को शराब पिला देते, फिर औरतों को डराते, फिर औरतें बेचारी वोट डालने जाती। नहीं, ये पार्षद जी हमारे आते हैं तो हमारे वाले आदमियों को दारू पिला देते हैं। 5 साल में एक ही बार आते जब उनका वो गलत पट्टी दबी आते हो। हाँ, पैसे वालों का काम कर होता है, हमारे गरीब लोगों का कुछ काम होता ही नहीं है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।